सीतापुर के एलिया ब्लॉक से होकर खीरी ब्रांच की एक रजबाहा नहर निकलती है, जिसमें बीती रात अचानक बसेती गांव के पास कटान हो गया, जिससे पूरे गांव में पानी भर गया। आपको बता दें कि बीती शुक्रवार की रात को बसेती गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब लोगों को पता चला कि नहर की तरफ से गांव की ओर पानी का सैलाब आ रहा है। जब तक बसेती गांव के कुछ लोग समझ पाते कि देखते ही देखते पानी गांव के खेतों व सड़कों से होता हुआ घरों में आने लगा। आपको बता दें कि एलिया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली बसेती गांव की लगभग 6 से 7 हजार की आबादी नहर कट जाने से गांव में भर रहे पानी से होने वाली समस्याओं से काफी परेशान है। नहर का पानी गांव की सड़कों पर भर गया, जिससे आने जाने में काफी समस्याएं हो रही हैं। ग्रामीणों के रसोई घर में भी पानी भर गया, जिससे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली खाद्य सामग्रियां भी खराब हो गई हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को खाने पीने की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि हो रही समस्याओं से निजात दिलाने के लिए प्रशासन की ओर से किसी ने अभी तक कोई संपर्क नहीं किया। इसे लेकर आई इंडिया के संवाददाता धनंजय यादव ने सिंचाई विभाग के जेई बनवारी लाल से जब फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि नहर का कटान स्थानीय किसी किसान द्वारा खेत की सिंचाई के लिए किया गया होगा, क्योंकि किसान ही सिंचाई के लिए नहर काट कर खेत सींचते हैं। ऐसा उन्हीं किसानों के कारण हुआ है। आगे उन्होंने बताया कि हमने कटान को बंधवाने के लिए कर्मचारी भेज दिए हैं, जल्द ही समस्या से निजात पा लिया जाएगा। इसे लेकर आई इंडिया के कटना संवाददाता धनंजय यादव की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। आपने सिर्फ गांजर इलाके में बाढ़ का कहर देखा होगा, लेकिन आपको हम एलिया ब्लॉक के एक गांव का नज़ारा दिखाते हैं जहां लोगों के घरों में पानी छू गया है। लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं और जो गांव के रास्ते हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से गांव के रास्तों पे पानी भरा हुआ है। आपको बता दें कि खीरी ब्रांच की नहर जो है एलिया ब्लॉक के बसेती गाँव होकर निकली हुई है, जहाँ पर रात में नहर कट जाने से जो गाँव के तालाब हैं वो भर गए हैं। तालाब भरने से गांव में आप देख सकते हैं किस तरह से रास्तों पे पानी भरा हुआ है और लोगों के घरों से निकलना दुश्वार है, क्योंकि घर के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आई इंडिया के लिए कचनार से धनंजय सिंह यादव। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए एमए बीकॉम एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद बिस्वा रोड पकरिया सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।